नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। करते हैं खबरों की ओर। कानपुर ठंड के चलते स्कूलों की समय सारणी बदलने का मामला कई स्कूल संचालकों ने नियम के आदेशों की अवहेलना की। जिलाधिकारी कौशल राज ने कराई स्कूलों की वीडियोग्राफी पर। नगर मजिस्ट्रेटों ने बनाई 52 मनमाने स्कूलों की सूची। रिपोर्ट आने पर स्कूलों पर की जाएगी कार्रवाई। अगर बुलंदशहर से है प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या से सनसनी। युवक की हत्या कर सब छत से लटकाया। दो दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। सयाना थाना क्षेत्र के किसौली गांव की घटना। अब खबर जौनपुर से है। काशी गोमती ग्रामीण बैंक सुनेटा में मारपीट। आक्रोशित लोगों और बैंक कर्मचारियों में मारपीट। 3 दिनों से पैसा न मिलने से लोग नाराज। कर्मचारियों के देर आने पर। अब खबर कानपुर से है। अपार्टमेंट से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया बरामद। 5 इलाके में चल रही नशीले इंजेक्शन का कारोबार। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बेना छावर इलाके। दिल्ली में नोटबंदी को लेकर DSP सुप्रीमो का बयान। नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। ज्यादातर बैंकों और ATM में पैसा नहीं। नोटबंदी से हालत बहुत खराब है। 90% जनता को परेशान कर रहे हैं। आम आदमी अपने ही पैसों के लिए परेशान। बैंकों ATM से पैसा नहीं। अब खबर मथुरा से है। अपराध की कब्र से निकाला जाएगा विवाहिता का शव। 3 दिन पूर्व पुलिस से छीन कर दफनाया था शव। फांसी लगाकर विवाहिता की हुई थी मौत। बरसाना थाना क्षेत्र के बाहर गांव का मामला। अब खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। टेम्पो से टकराया CMO का गाड़ी। ड्राइवर घायल। लहरपुर तहसील दिवस में जा रहे थे। CMO तालगांव थाना क्षेत्र के गोरिया झाल की घटना। और फिर लखनऊ से आ रही है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच का राजधानी में बड़ा प्रदर्शन। आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव। 2005 से बंद पुरानी पेंशन बहाली की कर रहे मांग। 10 लाख टीचरों कर्मचारियों को नहीं मिल रही पुरानी। यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन। आज संविदा कर्मियों को 18,000 देने की मांग। ठेकेदारी प्रथा बंद कर नई नियुक्ति की मांग। विधानसभा घेराव करेगा कर्मचारी महासंघ। खबर इलाहाबाद से है। कोहरे के चलते घंटों लेट चल रही ट्रेनें। कोहरे के चलते ट्रेन में 3 से 20 घंटे तक लेट। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें लेट यात्री पर। कोहरे की वजह से हवाई यातायात प्रभावित। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट 13 दिसंबर तक निरस्त। दिल्ली से सुबह इलाहाबाद आने वाली फ्लाइट निरस्त। दोपहर में जाने वाली फ्लाइट से भी। अब खबर कौशाम्बी से है। फूड प्वाइजनिंग से एक बच्चे की मौत। एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी क्षेत्र के गुदसाहा गांव का मामला। पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर को किया गिरफ्तार। बिलखुआ क्षेत्र के हाईवे से आरोपी को किया। अब खबर आगरा से है। जगनेर के स्टेट बैंक में 8 दिनों से कैश नहीं। 8 दिनों से पैसा न मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा। नहीं खुलने दिया बैंक। कर्मचारियों को बाहर। और दिल्ली से आ रही है। बुलंदशहर गैंगरेप मामला। आजम खान की ओर से माफीनामे के ड्राफ्ट हलफनामे पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामे की भाषा शैली पर उठाए। और भाजपा से महिला की गोली मारकर हत्या से सनसनी। जमीनी रंजिश के चलते भतीजों ने की थी कई हत्या। कई दिनों से महिला थाने के लगा रही थी चक्कर। दोघर थाना क्षेत्र की टीटी गांव। अब खबर लखनऊ माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी अखिलेश सरकार। लखनऊ माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी। अखिलेश सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती। 9342 पदों पर भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है। GIC में 9342 पदों पर होगी भर्ती। अब एक ही आवेदन से पूरे प्रदेश में अभ्यर्थन होगा। मान्यता होगी। अलग अलग मंडलों के लिए नहीं करने होंगे अलग से आवेदन। एक हफ्ते में शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। 31 मार्च तक सभी पदों पर इंटीग्रेट भर्ती होगी। बरेली में घने कोहरे से बस ट्रक में टक्कर हो गई। 2 की मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर घायल। अस्पताल में भर्ती। भोजपुरी क्षेत्र में बेलवा बाईपास पर। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर अंडर पास बनाने का मामला। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने कहा कि नई याचिका का उचित नहीं। मामले में संबंधित विभागों को कोर्ट पहले दे चुका है आदेश। संबंधित विभाग कोर्ट के आदेश पर अमल करेगा। जौनपुर जिला महिला अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। डॉक्टरों ने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच के लिए बाहर भेजा। ठंड में बिना कंबल के स्ट्रेचर पर महिला को जांच के लिए भेजा। सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट। सीतापुर ट्रेन में डकैती डालने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। सीतापुर GRP ने लूट का सामान किया बरामद। 4 दिन पहले जननायक एक्सप्रेस में की थी लूट। प्रतापगढ़ जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव। पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। उदयपुर थाने के नसीपुर गांव का मामला। इलाहाबाद अध्यक्ष बार काउंसिलिंग ऑफ यूपी का मामला। बार काउंसिल ऑफ यूपी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब तलब किया। 15 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का है मामला। मऊ ATM में पैसा न होने पर मचा हाहाकार। हजारों लोगों ने किया चक्का जाम। कोतवाली के SBI के सामने हंगामा। मधुबन तहसील में लोगों का। दोपहर समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरों का सिलसिला जारी है।